माताओं और बहनों, बुजुर्गों और भाइयों, चार पांच हफ्ते हुए हथियारों ने इंदिरा जी को हमारे बीच से हटा लिया, छीन लिया। उनकी कोशिश थी कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, भारत टूट जाए, लेकिन हमारा भारत पंडित जी का बनाया हुआ, गांधी जी का, इंदिरा जी का बनाया हुआ इतना कमजोर नहीं निकला कि किसी हथियारे की गोली से टूट सके। हमारा भारत मजबूत है, भारत एक रहेगा और भारत दुनिया की किसी भी शक्ति का सामना कर सकता है। हम देखेंगे कि हमारे देश की धरती पे कोई देश तोड़ने की आवाज नहीं उठा पाएगा। हम जानते हैं कि ये शक्तियां अपनी जड़ भारत में नहीं रखती। पिछले सालों में तीन आंदोलन हुए, एक आसाम में, एक कश्मीर में, एक पंजाब में। तीनों आंदोलन भारत को कमजोर करने में लगे थे, भारत को तोड़ने में लगे थे। तीनों आंदोलन अपनी शक्ति भारत से नहीं लेते थे, विदेश से लेते थे। कांग्रेस ने तीनों का मुकाबला किया, तीनों का सामना किया और तीनों को कमजोर किया, खत्म किया है। लेकिन जब कांग्रेस देश की एकता के लिए लड़ रही थी, देश की अखंडता के लिए लड़ रही थी, हमारे सब विपक्ष के नेता उल्टा इन्हीं लोगों को सहारा दे रहे थे। आसाम में हमने ये देखा, कश्मीर में, श्रीनगर में कॉन्क्लेव हुई, ऐसा वातावरण खराब हुआ, ऐसे बयान हुए कि पाकिस्तान का झंडा निकल आया श्रीनगर में। लेकिन हमारे किसी विपक्ष दल के नेता की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी आवाज उठाएं इसके खिलाफ, खामोश रह गए सब। पंजाब में इसी तरह से अकालियों के साथ कौन बैठता था, आज कौन किसके साथ मिला हुआ है और क्या मांगे थी अकालियों के। धार्मिक मांग पर ज्यादा समय नहीं लगा, वो तो हल हो गई। पानी पर, चंडीगढ़ पर, जमीन पर बहुत लंबी बहस हुई, लेकिन हमें उम्मीद थी कि कोई रास्ता निकल जाता। एक उनकी आखिरी मांग थी आनंदपुर प्रस्ताव की। आप जानते होंगे आनंदपुर प्रस्ताव में कोई ऐसे वाक्य हैं जिससे देश टूट जाता, जो हमारे संविधान के अंदर नहीं है। लेकिन हमारे विपक्ष के नेताओं ने दोबारा नहीं सोचा। जहां पे शायद अकाली दल मान जाती, और हमें बहुत उम्मीद थी कि वो मान जाते, कि आनंदपुर प्रस्ताव की पूरी मांग सरकारिया कमीशन के सामने ले जाएं, लेकिन विपक्ष दल के नेताओं ने उन्हें हौसला दिया। उन्होंने कहा कि अकाली दल की मांगों को मान लेना चाहिए, कांग्रेस बेकार समय जाया कर रही है, बेकार टांग अड़ा रही है। उन्होंने लोकसभा में कहा था, उनके लोकसभा के रिकॉर्ड में से देख सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि चुनाव है, आज एकदम से पकड़े गए हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज कह रहे हैं हमने कभी नहीं कहा था कि सब मांगे माननी थी। तो क्या कहा था उन्होंने फिर, आज हमें बताएं क्या चाहते थे वो, किस तरह से कांग्रेस अकाली दल की मांगों को पूरी करती। उन्हें इन सब चीजों का जवाब देना है। आज हमें उनसे पूछना है कि किस तरह से उन्होंने ऐसे उल्टी सीधी बात करके अकाली दल का हौसला बढ़ाया, उग्रवादियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने ऐसा महसूस कराया
कि पूरा विरोधी दल अकाली दल के साथ है, उग्रवादियों के साथ है, उनकी मांगों पर। आज हम पूछना चाहते हैं कि उनका क्या स्टैंड है इस पर। आज मैंने एक अखबार में पढ़ा कि एक विरोधी दल के नेता ने कहा है कि मैं इस खेल में बहुत नया हूं, मुझे अभी बहुत सीखना है, लेकिन काश मैं जो उन्होंने सीखा है वो ना सीखूं तो अच्छा ही होगा। इस देश को उनके तरह की राजनीति से बचाना है। आज आज हमें भारत को सिद्धांतों पर चलाना है, ऊपर उठाना है। हमारे विपक्ष के नेता खाली एक दूसरे को नीचे खींच सकते हैं, देश को ऊपर नहीं उठा सकते हैं। आज हमें भारत के भविष्य का सोचना है, भारत को 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करना है, हमारे जवानों को तैयार करना है, युवकों को तैयार करना है। हमें आज देखना है कि हमारे समाज में जो कमियां आई हैं, जो बुराइयां आई हैं हजारों साल से, वो हम दूर करें। हमारी माताओं और बहनों पर जो अत्याचार होते हैं वो खत्म करें। हरिजनों को दबाया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। हमने पिछले सालों में बहुत काम करे हैं हरिजनों के लिए, लेकिन आज भी हम भी गलत काम करते हैं। आज भी हम जब हरिजनों के लिए हरिजन आवास बनाते हैं या दुकान लगाते हैं या हॉस्टल बनाते हैं, तो क्या हम आज भी उसे अलग नहीं बनाते हैं, गांव के बाहर नहीं लगता है? तो हमने क्या करा, क्या तरक्की कराई हमने? खाली घर देना काफी नहीं है, हमें समाज की मुख्य धारा में उन्हें लाना है, हमारे समाज में पूरा हिस्सा लेने का मौका देना है। दूसरे कितने वर्ग हैं हमारे, जो दबे हुए हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो हमारे समाज में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, सबको मजबूत करना है। हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, हमें उन्हें पूरा मौका देना है, काम धंधे का पूरा मौका देना है, आगे बढ़ने का, हमें उन्हें उनकी सुरक्षा का ध्यान देना है। भारत में सब धर्म बराबर है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश का। दूसरा कोई देश ये नहीं कर पाया है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सबको बराबर होकर आगे बढ़ना है। लेकिन हमें आज बहुत ध्यान देना है कि कोई धर्म के नाम पर या प्रांत के नाम पर हमारे देश के टुकड़े करने की कोशिश नहीं करे, और कोई करेगा तो हम देखेंगे कि वो खत्म हो जाएगा, कुचल जाएगा। हमें देखना है कि हमारे किसान भाई आगे बढ़ें। जितना कांग्रेस ने किसानों के लिए किया है उतना कभी पहले नहीं हुआ था। 37 साल में क्या नहीं हुआ किसानों के लिए, आप सोचने की कोशिश करिए। 37 साल हुए भारत के किसान की क्या हालात थी, और आज भारत का किसान कहां पहुंचा है। कांग्रेस ने मदद की, लेकिन तरक्की हुई है क्योंकि कांग्रेस और भारत के किसान का मेल हुआ। साथ में हमने मिलकर काम किया, साथ में हमने भारत का पेट भरा। 35 साल हुए बहुत बहस चल रही थी कि भारत अपना पेट नहीं भर सकता है, भारत भूखा मरेगा। एक तरफ से सलाह मिल रही थी कि हजारों एकड़ के खेत होने चाहिए,
और प्राइवेट हाथ में होने चाहिए। दूसरे तरफ से सलाह मिल रही थी कि हजारों एकड़ के खेत होने चाहिए, सरकारी हाथ में होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि जिस किसान ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जो किसान इसी तिरंगे झंडे के नीचे खड़ा हुआ, अंग्रेजों के सामना किया, वो ही भारत को, भारत का पेट भर सकता है, वो ही भारत को भूख से बचा सकता है। हमने मदद करी बिजली से, ट्रैक्टर से, पानी से, बीज से, खाद से, कितनी सैकड़ों चीजों की जरूरत होती है फसल उगाने के लिए। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको सीधे समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हम पीछे जाएं, एक ट्रैक्टर बनाने में कितने हजारों पुर्जे लगते हैं और वो हजारों पुर्जों को बनाने में कितनी चीजें लगती हैं, ये सब कांग्रेस ने कराया। और किसानों ने पैदावार बढ़ाई, खाली देश का पेट नहीं भरा, उससे बहुत ज्यादा किया। अगर हम आज अपनी किसानों की खेत की पैदावार नहीं बढ़ा पाते तो आज हम कर्जे के नीचे डूबे होते, हमारा देश आजाद नहीं होता। तो किसानों ने आजादी की लड़ाई कायम रखी और भारत की आजादी बचा के रखी। इसी तरह से हमने भारत के मजदूरों को एक नया रास्ता दिखाया। सब कहते थे कि मजदूर भारत के पिछड़े मजदूर हैं, शिक्षा नहीं है उनमें, कारखाने में काम नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस ने दिखाया कि जहां सुई नहीं बनती थी वहां उपग्रह बन सकता है, हवाई जहाज बन सकता है। कांग्रेस ने हर वक्त भारत के भविष्य की तरफ देखा है, आज भी कांग्रेस 21वीं शताब्दी की तरफ देख रही है। हमें देखना है कि हम हमारे युवकों को, जवानों को तैयार करें दुनिया का मुकाबला करने के लिए, दुनिया से आगे निकलने के लिए, और ये हम करेंगे। जो शिक्षा मिल रही है उस पे हम ध्यान देंगे, जिसमें ठीक तरह की शिक्षा मिले। हम आगे आते हुए सालों में भारत की तस्वीर बदलेंगे, एक नए भारत बनाएंगे जो आगे बढ़ा हुआ होगा, विकास पाया हुआ होगा, जिसमें राजनीति और शासन सफाई से, ईमानदारी से चले, हमारा देश तेजी से आगे बढ़े। लेकिन ये करने के लिए, देश की सुरक्षा, देश की एकता रखने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। आपको हमारे तीनों उम्मीदवारों को कामयाब करना है। आप तीनों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बंसीलाल जी हैं, दलबीर सिंह जी हैं और वीरेंद्र सिंह हैं। तीनों आपका काम करेंगे, तीनों आपके विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन इससे बहुत ज्यादा, जब आपका वोट हमारे उम्मीदवारों को कामयाब करेगा, आपका वोट भारत की एकता और अखंडता के लिए जाएगा, भारत के भविष्य के लिए जाएगा, भारत को महान बनाने के लिए जाएगा। अब मुझे बताइए, कौन हाथ पर वोट डालेगा, कौन भारत के भविष्य के लिए वोट देगा? हाथ खड़े करके दिखाइए, ऊंचा। अब हरियाणा है तो एक प्रश्न जरूर पूछना है कि जो हमारे भाई दोनों हाथ उठा के बैठे हैं, उनका क्या इरादा है? एक ही वोट डालना, दूसरे हाथ में आप अपने घरवालियों को ले जाइए, साथ में आप अपने पड़ोसियों को ले जाइए, आप देखिए कि आपके मोहल्ले में कोई छूट ना जाए। ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है, ये आपका चुनाव है। हर एक वोट पड़ना है, हर एक वोट भारत के लिए पड़ना है। धन्यवाद। जय हिंद।